अल्मोड़ा में आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 12-12 टेबल लगाई जाएंगी और पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी। मतगणना क्षेत्र में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जबकि मतगणना क्षेत्र में मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रतिबंध रहेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने 12 काउंटिंग टेबल का अरेंजमेंट किया है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कक्षों का अरेंजमेंट किया है और हर कक्ष में एक ARO तैनात रहेंगे। हर टेबल पे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं, उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है। जो उस प्रकार से जो हमारे पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने सफिशियंट टेबल्स की व्यवस्था की है, उनके लिए भी उनको अवगत करा दिया गया कि वो अपने काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। जो RO टेबल होती है वहाँ वो इलेक्शन एजेंट या खुद रह सकते हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि कमीशन के निर्देश रहते हैं। और सभी को इस बात से भी अवगत कराया गया और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो चीज़ें अनुमन्य नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये अलाउ नहीं रहेंगे। और जो हमारी फर्स्ट राउंड की फ्रिस्किंग होगी और सेकंड राउंड की फ्रिस्किंग होगी, सभी जगह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की वस्तुएं किसी के द्वारा अंदर ना ले जाई जा सकें।